ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, जिसमें इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे और बतौर प्रत्याशी हम यहाँ पर आकर सभी कार्यकर्ताओं का हमने आशीर्वाद लिया है और उनसे आह्वान किया है कि आगामी समय में हम इस क्षेत्र के हर इलाके का दौरा जो है वो किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए और यहाँ से कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के चुनावों में बढ़त दिलाने के लिए पूर्ण प्रयास भी किया जाएगा और इसमें हम सफल भी होंगे। आगामी समय में माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सुक्खू जी और हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उन सब के कार्यक्रम यहाँ पर करवाए जाएंगे, बड़ा जनसभाएँ यहाँ पर करवाई जाएगी ताकि पार्टी यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत हो सके और यहाँ के जितने भी मसले हैं, खास करके सरकाघाट क्षेत्र के जो हमारे पूर्व सैनिकों के मसले हैं, चाहे वो यहाँ पे CSD कैंटीन, CSD डिपो खोलने की बात है, चाहे अग्निवीर योजना जिसकी वजह से युवाओं का भविष्य अंधकार में पड़ गया है, उसको पुनः जो है वो बंद कर उसको एक नए तरीके से खोलने की बात है, जिसके बारे में इंडिया अलायंस में भी इसके बारे में बात हुई है। और वैसे ही यहाँ पर हमारा एक सैनिक ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, उसको भी और उसके लिए इम्प्रोवाइजेशन उसके बजट के लिए करवाया जा सके, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। बाकी जो भी यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं उसमें प्रदेश सरकार का एक बड़ा योगदान रहा है, खास करके आपदा के दौर में तो यहाँ पे बजट का दिया गया है सड़कों को खोलने के लिए, कई हमारी राहत राशि जो बहुत से महिलाओं के लोगों के घर बर्बाद हो गए थे उसके लिए दिया गया है। कुल मिलाकर मंडी ज़िला में अभी पहली किस्त में करीबन 6 करोड़ रुपये इसके लिए बांटा गया है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और राहत राशि जो पहले 1 लाख रुपए होती थी उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है, ये भी बहुत एक अच्छी बात है, जिससे हमारे बागवानों को, किसानों को राहत मिली है। और भी जो यहाँ के मसले हैं उनको हम आगामी समय में जब सभी के आशीर्वाद से हम यहाँ से जीत के जाएंगे तो लोकसभा में हम मंडी संसदीय क्षेत्र की आवाज़ को और हिमाचल की आवाज़ को, हमारे सैनिकों की आवाज़ को, पूर्व सैनिकों की आवाज़ को और कर्मचारियों की आवाज़ को, जो OPS हमारी सरकार ने दिया है उसका जो 9,000 करोड़ रुपए केंद्र में फंसा हुआ है उसको भी वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। सकारात्मक प्रयास जो है वो हिमाचल प्रदेश के हर कोने का समान विकास करने का हमारा एक प्रयास जो है वो रहेगा।